हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के फोटोशॉप के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल बेसिकली सेलेक्ट मेनू बेसिकली क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन से रिलेटेड सारा वर्क क्या करता है, सेलेक्ट मेनू का होता है। जैसे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ या कुछ भी, जैसे कि मैं ये फोटो ही ओपन कर देता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट मेनू में, अब ऑल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा इमेज मेरा सेलेक्ट हो गया, बेसिकली ऑल सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट मेनू से डिसलेक्ट पर क्लिक करूँ तो ये क्या हुआ, सिलेक्शन हट गया। फिर से मैं कंट्रोल ए करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी होता है डिसलेक्ट का, ये डिसलेक्ट बेसिकली सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद रीसेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डी, बेसिकली जो सिलेक्शन मेरा था वो फिर से वापस आ जाए तो उसको कहते हैं हम रीसेलेक्ट। या मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्शन, जैसे मैं इस तरह से सिलेक्शन बना लूँ, फिर कंट्रोल डी करके मैं हटा दिया, और मुझे तो नहीं मैं हटाया उसको फिर से ले आना है सिलेक्शन को, तो कंट्रोल शिफ्ट डी पर प्रेस करेंगे तो मेरा वो सिलेक्शन वापस आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट में जाकर रीसेलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या हुआ, जो सिलेक्शन वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अभी तो सेलेक्ट है, तो ये बेसिकली कौन सा पार्ट इसका सेलेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेयर लेता हूँ और यहाँ ब्लैक कलर डालता हूँ, तो अभी क्या है, ये अंदर वाला पार्ट ये सेलेक्ट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसके बाहर वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँ तो सेलेक्ट के अंदर आता है इन्वर्स, इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, ये बाहर वाला पार्ट सेलेक्टेड हो गया, बेसिकली इन्वर्स सेलेक्शन हो गया। और तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, सेलेक्ट का बेसिकली ऑप्शन हो गया, जो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ये लेयर है, यहाँ पर और भी लेयर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं कुछ यहाँ टाइप कर लेता हूँ, साइज में इसका बड़ा कर लेता हूँ जो दिखाई दे क्या टाइप किया हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसका टेक्स्ट के कलर को भी चाहूँ तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जो उस इमेज के साथ ये मर्ज ना हो, तो इसके लिए कैरेक्टर पाऊँगा और यहाँ से बेसिकली इसका मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर लूँगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये दो तीन लेयर है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट में जाना है और ऑल लेयर पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, जो जितने भी लेयर हों एक्सेप्ट बैकग्राउंड, उन सबको सेलेक्ट कर देगा। बैकग्राउंड को छोड़ के जितने भी लेयर होंगे उनको सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद डिसलेक्ट लेयर करूँगा तो बेसिकली एक भी लेयर मेरा यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पास होता है फाइंड लेयर, अगर कोई लेयर हमको ढूंढना है इसके अंदर, जैसे जो मैं यहाँ पर ICS लिखा हुआ, मेरे पास बहुत सारे लेयर हैं, जैसे काम करते करते मेरा ये लेयर के बारे में बेसिकली क्या हुआ, ये पैनल पूरा भरा हुआ है। अब इसमें से ढूंढना है कि ICS वाला लेयर कौन सा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सेलेक्ट पर आऊँगा और फाइंड लेयर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ नेम आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली ये फाइंड का ऑप्शन जो आया हुआ है, यहाँ पर ICS टाइप करूँगा तो ICS वाला जो नाम का जो लेयर है वो बेसिकली मेरा सामने आ जाएगा ऊपर। तो ये बेसिकली होता है हमारा फाइंड का ऑप्शन। इसके बाद सेलेक्ट के अंदर होता है आइसोलेट लेयर। आइसोलेट लेयर क्या होता है, जैसे मैं आइसोलेट लेयर पर क्लिक करूँगा तो ये सारा लेयर जो है बेसिकली क्या हुआ, जो एक लेयर में मर्ज हो, सारा लेयर हाइड हो गया, मेरा आइसोलेट हो गया। अगर मैं जो यहाँ से बेसिकली क्या है, जो अलग अलग यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, ये अलग अलग चीज़ों को हमको फाइंड करेगा, आइसोलेट करेगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट में जाएंगे, आइसोलेट पर क्लिक करेंगे, नो लेयर मैचिंग, बेसिकली किसी लेयर के ऊपर अगर फिल्टर लगा होगा तो वही लेयर हमको शो कराएगा, अन्यथा नहीं शो करेगा। जैसे जो मैं इसके, जैसे जो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं फिर से सेलेक्ट पर आता हूँ, आइसोलेट लेयर हटा देता हूँ, मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ से फिल्टर से कोई फिल्टर लगा देता हूँ, इससे आप ब्लर से मैं क्या करता हूँ जो यहाँ पर गॉसियन ब्लर थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। अब इस पर क्या हो जाए, स्मार्ट फिल्टर लगा हुआ है। अब आता हूँ मैं सेलेक्ट पर और देर में यहाँ से करता हूँ आइसोलेट लेयर पर, बेसिकली क्या हो, जिसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ शो हो रहा है, अन्यथा बाकी नहीं शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, आइसोलेट लेयर होता है। बेसिकली लेयर पैनल में फिल्टर वाले जितने लेयर होते हैं वो सारे शो होते हैं आइसोलेट लेयर, आइसोलेट लेयर से। इसके बाद हम बात करते हैं कलर रेंज की। कलर रेंज क्या होता है, तो कलर रेंज के हिसाब से मैं इमेज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये वाला इमेज है, बाकी को मैं हाइड करता हूँ, अभी इस इमेज की बात करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड लेयर पर है, मैं इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। अब आता हूँ मैं यहाँ पर सेलेक्ट पर। अगर कलर रेंज के हिसाब से मुझे सेलेक्शन, जैसे मुझे यहाँ से अगर मैं कहूँ जो मुझे खाली रेड वाले को ही सेलेक्ट करना है और ओके करूँ तो क्या होगा, जितना रेड पार्ट है उसका सिलेक्शन मेरा बंद किया जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ से अलग अलग कलर रेंज के हिसाब से भी क्या करूँगा,
सेलेक्शन ले सकता हूँ। अगर ब्लू की बात करूँ तो इसमें जहाँ भी ब्लू होगा वो सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब इसमें ब्लू है ही नहीं इस फोटो के अंदर, तो इसी तरह से बेसिकली हम कलर रेंज के हिसाब से मैं यहाँ से ग्रीन, ग्रीन में भी हल्का पार्ट है, और बात करें येलो तो येलो में कुछ पार्ट है, अगर उसको सेलेक्ट करना है तो क्या करूँ, मतलब जितना भी बेसिकली येलो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली हम उस कलर के हिसाब से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। फोकस एरिया क्या होता है, जब किसी एक एरिया को अगर फोकस करना हो, जैसे जे अभी ये लोड हो रहा है, एक मिनट लोड हो जाएगी बेसिकली। अब जैसे जो फोकस एरिया क्या आएगी, ये लेयर है, अब इस पर बेसिकली क्या करा है, सेलेक्ट एंड मास्क बेसिकली सेलेक्ट कर रहा है, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट है इस चीज़ का सिलेक्शन ले रही है। अब कह रहा है जो यहाँ पर जैसे ओलिव को मैं करूँ तो उसके हिसाब से फोकस होकर आएगा, अब अगर मैं कहूँ यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट तो उसके हिसाब से फोकस होकर आएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है जी, अपने सिलेक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप के हिसाब से क्या करेगा, ये सेलेक्ट करके हमको देगा। जैसे जी मैं ओलिव को आता हूँ और इसकी वैल्यू को रेंज को कम करता हूँ तो उसके हिसाब से कम होगा, ज़्यादा करूँगा तो उसके हिसाब से फुल को ले लेगा। फिर एडवांस में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नॉइस कितना है उस सब चीज़ को मैं कम ज़्यादा करके, जब मैं इसको ओके करूँगा तो क्या होगा, जो मेरा उसके हिसाब से क्या होगा सिलेक्शन बन के आ जाएगा। इसके बाद मेरा यहाँ पर आता है बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमको अभी जैसे इसमें इस और इस लेयर पर सब्जेक्ट कौन सा है उसको सेलेक्ट करके हमको दे देगा, ये इस लेयर पर सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, इस लड़की का इमेज है, इस चीज़ को हमको सेलेक्ट करके दे दिया। तो ये सब इस तरह से भी हम सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा स्काई इसमें कौन कौन सा पार्ट है, उतना पार्ट का हमको सिलेक्शन बना के दे देगा, इस इमेज के ऊपर स्काई कहाँ कहाँ है उसका बेसिकली क्या करेगा, फोटोशॉप ऑटोमेटिक रीड करेगा, समझेगा और देर हमको क्या करेगा, इसका स्काई वाले पार्ट का क्या हुआ सिलेक्शन बना के दे दिया। तो ये सिलेक्ट मेनू में बेसिकली सिलेक्ट एंड मास्क क्या होता है, तो फोटो को सिलेक्ट करके और मास्क का ऑप्शन मेरा पर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सेलेक्ट एंड मास्क पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, देन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस फोटो को हम काट सकते हैं या बेसिकली क्या करते हैं सेलेक्ट एंड मास्क के हिसाब से हम इस पर इस तरह से क्या करते हैं इसको चला के, और देन हम क्या करेंगे जो बेसिकली यहाँ पर ये ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम सेलेक्शन लेके और इस तरह से, तो ये सेलेक्ट एंड मास्क होता है बेसिकली। देन हमारा यहाँ से हम चाहें तो इसके ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते, इस तरह से बेसिकली क्या हो गया कट के आ गया। देन मैं यहाँ से ओके करूँगा, आउटपुट में बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट एंड लेयर मास्क बेसिकली करके न्यू लेयर पर लेके ओके करूँगा तो क्या होगा, ये इसका कट के बेसिकली क्या होगा, ये नया लेयर पर आ गया। देखो अगर नीचे का आंकड़ा जितना पार्ट मैं वहाँ से सेलेक्ट किया था वो कट के एक लेयर पर आ गया। तो इस सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए इसके बारे में, इसका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा सेलेक्ट एंड मास्क का। अब नेक्स्ट पे मैं यहाँ आता हूँ सेलेक्ट ऑप्शन में, यहाँ पर है ग्रो, मॉडिफाई पे आता हूँ। बेसिकली मॉडिफाई में क्या है, यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, यहाँ से ये देखो क्या हुआ जो बॉर्डर बन गया। अब एक यहाँ पर लेयर लेके आऊँ, कंट्रोल के साथ डिलीट डाऊँ तो क्या होगा जी, ये इसके साइड में एक बॉर्डर लग गया इमेज। तो ये बेसिकली क्या होता है, मॉडिफाई होता है। उसी तरह मॉडिफाई में और भी ऑप्शन होंगे, जैसे कि स्मूथ करना, एक्सपेंड करना, कंट्रैक्ट करना या फिल्टर करना। कंट्रैक्ट में क्या होता है, अगर कंट्रैक्ट में 20 पीस से कर दूँ तो क्या होगा, जब बेसिकली कोई भी सिलेक्शन हो, जैसे कि मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, और देन उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, यहाँ पर 800x600 का पेज लेता हूँ मैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से एक सिलेक्शन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई पर अगर मुझे कंट्रैक्ट करना है 20 पिक्सल तो देखो क्या हो रहा है, 20 पिक्सल क्या हुआ, छोटा हो गया, कंट्रैक्ट हो गया। और अगर बात करें जी अगर मुझे मॉडिफाई में जाकर एक्सपेंड करना है 20 पिक्सल तो 20 पिक्सल अपने जगह से क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसी तरह मॉडिफाई में अगर स्मूथनेस डालना है यहाँ से उसके हिसाब से स्मूथनेस भी डाल सकता हूँ, अगर चेक करना है स्मूथनेस आया कि नहीं तो देखो स्मूथनेस ऑब्वियसली आया होगा। इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे इसमें सिलेक्शन तो क्या करना है, जो फेदर डालना है यहाँ से सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से फेदर भी डाल सकता हूँ। बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से बॉर्डर दे दूँगा तो क्या डबल बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ से लेयर लूँगा कलर इस बॉर्डर के ऊपर मैं डाल दूँगा, इस तरह से भी मैं बना के यूज कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है मेरा सेलेक्ट के अंदर ही ग्रो। ग्रो क्या होता है, जो बेसिकली सिमिलर कलर जहाँ भी होगा उसके हिसाब से ग्रो कर जाएगा। जैसे जी ये सिलेक्शन है, जैसे जी इस पर ये लेयर, इसको मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ग्रो करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर सिमिलर पर क्लिक करूंगा तो उसे मिलता जुलता जितना कलर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और ग्रो पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, जो बेसिकली ये सबको बेसिकली
सबको सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने ले लिया, अब इसके साइज को मुझे बढ़ाना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा और इस तरह से सिलेक्शन के साइज को बढ़ा घटा सकता हूँ, चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, इंटर दाबूंगा हो जाएगा। शॉर्टकट की होता है इसका ऑल्ट एस टी दाबूंगा और देन इसके साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर सिलेक्ट मेनू में अगला जो आता है वो आता है क्विक मास्क मोड। क्विक मास्क मोड क्या होता है जी, यहाँ से हम लोग क्विक मास्क मोड आ गया, अब इसमें चाहूँ तो जिस पोजिशन पर अपडेट को मैं रिमूव करूँ, बेसिकली इस तरह से क्विक मास्क होता है। क्विक मास्क बेसिकली क्विक मास्क मैंने पढ़ा रखा हूँ मास्किंग के अंदर पूरा। इसके बाद हमारा फिर से यहाँ से क्विक मास्क पर क्लिक करूँगा तो मास्किंग का बेसिकली रेड वाला पार्ट हट जाएगा। इसके बाद लोड सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन, जैसे जी मैं कोई सिलेक्शन यहाँ से सेव कर दिया इसका नाम दे के, अब न्यू बेसिकली न्यू का नाम बेसिकली इसके का बेसिकली मैं यहाँ का करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब फिर से मुझे लोड करना है तो यहाँ से लेयर सेलेक्ट में आऊँगा और यहाँ से लोड सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो भी मेरा सिलेक्शन था इसको मैं फिर से मैं उस सिलेक्शन को लोड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सिलेक्ट मेनू के सारे ऑप्शन लगभग हमारे कवर अप हो गए।